السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Rabbi, zidni ilma. Dear class, last lesson में हमने board mess rule के मुतालिक जाना. आज भी हम 56 पेज में 56 लेसन में अपना जो पीछे काम किया उसको देखेंगे. सबसे पहले आपको पेज नंबर 50 और 51 दिया गया इकरा बुक का और वो मैंने मुकम्मल आपके सामने हल कर किया है. यहाँ से आप देख के जो आपको चीज़ें बताई गई और समझाई गई जो आपने काम किया वो यहाँ से देख के आप उसकी करेक्शन करेंगे. अगर आपने कोई गलती की है तो उसकी दुरुस्ती कर लें. अगर आपने बिल्कुल इसी तरह से किया है तो आपको एक्सीलेंट. तो डियर क्लास, ये आपका पेज नंबर 51 है. ये भी मैंने आपके सामने मुकम्मल हल करके आपके सामने रखा है. इधर से भी देख के आप जो दिए गए सम हैं उनको देख सकते हैं. और आज बिना ताखिर के आगे अपना पेज नंबर 52 है जून सा, और उसका जो क्वेश्चन है आपके सामने है और वो करेंगे. जितनी भी मिक्स फ्रैक्शन है इनको सबसे पहले इम्प्रॉपर में बदलेंगे, उसके बाद फिर हम, क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट वाला तो हम यहाँ पे ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो इस हवाले से हम फिर डीमैस रूल को अप्लाई करेंगे. इनके पहले डिवीजन को, फिर मल्टीप्लीकेशन, और फिर वेरी गुड प्लस, और फिर आखिर में माइनस को हल करेंगे. तो ये क्लास इस तरह से देखिए, अब हम इनको चेंज करते हैं. 5 7 35 और 2 ऐड किया तो 37/5. और आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे बदला जाता है, और जब हमने एलसीएम किया तब भी मैंने आपको बताया था कि डिवीजन मेथड के ज़रिए किस तरह मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदला जाता है, और डिवीजन मेथड के ज़रिए किस तरह इम्प्रॉपर को मिक्स में बदला जाता है. तो डियर क्लास, इस तरह आपके सामने आज मिक्स फ्रैक्शन है और इनको हम इम्प्रॉपर में बदलेंगे. डिनोमिनेटर का टेबल हम होल नंबर के साथ पढ़ते हैं और न्यूमिनेटर है जोनसा उसको उसमें जमा कर देते हैं आने वाले जवाब में. मिसाल के तौर पे 5 7 35, अब इसके अंदर ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है उसको जमा करेंगे 35 में, 37 हो जाएगा, तो ये 37/5 आ जाएगा. माइनस ऐसे ही 5 2 10 और 2 12/5, मल्टीप्लाई ऐसे ही 10 1 10 और 1 उसमें ऐड किया तो 11/10, डिवाइड का साइन एज इट इज़, 3/5 भी एज इट इज़ और प्लस का साइन भी एज इट इज़, और आखिर में मिक्स है इसको भी चेंज करेंगे 4 2 8 + 2 10/4. और इसके बाद हमारे पास, क्योंकि हमारे पास अब इम्प्रॉपर आ गई है, कोई मिक्स नहीं रही, तो अब हम इसके ऊपर रूल अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले देखेंगे डिवीजन, तो पहले डिवीजन को हल करेंगे. डिवीजन को हल करने के बाद फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस. तो सबसे पहले डिवीजन को हल करते हैं. डिवीजन इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान है तो बाकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ हम नीचे लिख लेते हैं. तो 11/10 को लिखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, और डिवाइड से आगे वाला जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल करेंगे 5/3. तो डियर क्लास, 5 1 5, 5 2 10, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 11 1 11 और 2 3 6. तो इस तरह हमारे पास इसको डिवीजन को हल करने के बाद इन दोनों वैल्यूज़ को हमारे पास 11/6 आ गया. डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई को हल करना है तो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लाई है तो 6 1 6, 6 2 12, 2 आ गया. अब ऊपर न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 11 22 और 5 1 5, और बाकी दोनों वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाएंगी. अब इन दोनों वैल्यूज़ में प्लस का साइन है 22/5 प्लस 10/4, तो हमें पता है कि हमने जैसे पीछे कॉमन फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाकर, यानी कि डिनोमिनेटर को एक जैसा करके सॉल्व किया, बिल्कुल उसी तरह से 37/5 माइनस का साइन ऐसे ही. और क्योंकि हमने ऑपोजिट्स वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया था 5 के साथ 4 को और 4 के साथ 5 को करना है, तो इस तरह यानी कि 22 को 4 के साथ करेंगे और 10 को 5 के साथ जैसे हमने किया, और दरमियान में प्लस 5/4 को एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 4 के साथ तो 88 आंसर आता है, प्लस एज इट इज़ 10 5 50, 5 4 या 4 5 20. इस पूरी वैल्यू को हल करें तो हमारे पास आंसर आता है 138/20. अब हमारे पास आखिरी है ऑपरेशन माइनस का, तो जिन दो वैल्यूज़ के दरमियान माइनस है वो आपके सामने हैं. और हमने जब एलसीएम किया था, एलसीएम में आपको एलसीएम लेने का तरीकाकार भी बतलाया था, और यहाँ पे देखें क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 5 और 20 है, तो देखें सबसे पहले एलसीएम लेने से पहले देखते हैं कि बड़ी वैल्यू इन दोनों में से कौन सी है, 20,
तो बच जाने वाली वैल्यू हमारे पास 5 है, तो देखें 5 के टेबल में 20 आता है। वेरी गुड, 5 4 द 20, यानी कि 20 को एलसीएम लिया जा सकता है क्योंकि ये 5 के टेबल में आता है। 37 को ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, -138 को भी ऐसे ही लिखेंगे और ब्रैकेट खाली छोड़ेंगे। तो 5 का टेबल 20 तक कितनी बार पढ़ सकते हैं? 4 टाइम, तो वो ब्रैकेट में लिखेंगे। और माइनस का साइन एज इट इज आ गया, और 20 का टेबल 20 तक एक मरतबा पढ़ा जाएगा, तो 1 लिखेंगे। 37 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 148, माइनस ऐसे ही 138 को 1 के साथ करेंगे तो 138। और इस पूरी वैल्यू को जब हम हल करते हैं, 148 में से 138 को माइनस करें, तो हमारे पास आंसर आएगा 10/20। और आप जानते हैं कि लोअस्ट फॉर्म में हम हमेशा आंसर को लिखते हैं, तो इनकी कटिंग करेंगे 10^1 द 10, 10^2 द 20, क्योंकि 10 के टेबल में 20 आता है। तो हमारे पास लोअस्ट फॉर्म में जो आखिरी आंसर आ गया इस सम का, वो हमारे पास 1/2 है। तो सिंपल इसी तरीके से पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस को आप इस तरीके कार से 53 पेज पे जो आपके सम है वो भी सेम इसी तरह है। पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलेंगे, उसके बाद फिर इस तरीका कार के मुताबिक जो आपके सामने किया गया इस तरह ही हल करेंगे। और आज भी आपका जो काम है वो इकरा वर्कबुक का है, पेज नंबर 52 और 53 आप कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वीकेंड के बाद आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।